हिंदुस्तान की आवाज सबसे तेज सबसे आगे, खबर हर नजर पर, भारत के हर कोने की खबर सबसे पहले हिंदुस्तान की आवाज न्यूज पर, हिंदुस्तान की आवाज सबसे तेज सबसे आगे, हिंदुस्तान की आवाज सबसे तेज सबसे आगे। अभी लगता है कि सभा में राम मंदिर संकल्प के लिए पधारे ऐसा लगता नहीं है। जोर से भगवान श्री राम का नारा अयोध्या तक जाना चाहिए। जय श्री राम। दोनों हाथ खड़े करके बोलेंगे जय श्री राम। मंचस्थ पूजनीय संतों ना चरणों में वंदन। आजनी सभाना मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र जी जैन, स्वागत समिति ना सर्वे सभ्यो, क्या धर्म सभा पछी अगर रामलला ना मंदिर बनावा माटे त्यानु निर्माण करवा माटे आपने जवू पड़े तो आपने बजा भेगा छे ने त्यां जवानु छे एनी पण बजा तैयारी राखजो। खाली आ एक राम मंदिर नथी, राम मंदिर अमारी शुरुआत छे, एना पछी आवे छे बीजू कयो मंदिर खबर छे ने बजाने, जन्मभूमि। એ ભી યાદ રાખજો, ખાલી રામ સુધી અટકી ના જતા કે રામ અને કૃષ્ણ અમારી ભારતની ધરોહર છે, એના કારણે જ આજે આપણે અહીંયા વિદ્યમાન છીએ। અગર રામલલાનું મંદિર બન્યું તો પછી કૃષ્ણલાલજી ભી આપણા ઉભા જ છે, એટલે આ અગર શાસનકાલમાં અમારા મોદીજીના શાસનકાળમાં અગર રામ મંદિર ના બન્યું તો પછી આશા રાખતા નહીં। અને આપણે બધા લોકોએ મોદીજીને મજબૂત કરવાના છે જેનાથી આ રામલલાનું મંદિર નિર્માણ થઈ શકે। બધા લોકો એ રામ માટે તૈયાર રહો, જે રામનો નથી કોઈ કામનો નથી।
ખૂબ આનંદ થાય છે આજ આ વિરાટ ધર્મ સભામાં આપ લોકોને જોઈને, કે મને વિશ્વાસ થાય છે અને એ જ વિશ્વાસ દિલ્હી સુધી પહોંચવો જોઈએ કે ના ભાઈ, આજે ભારતનો સમસ્ત હિન્દુ સમાજ જાગૃત થયો છે એ રામલલા માટે, અને આપણે બધાએ એ રામલલાના મંદિર નિર્માણ થાય એની માટે જે પણ કરવું પડે, તન મન ધન સમસ્ત પ્રકારની સેવા એ રામલલાના ચરણોમાં સમર્પિત કરી દેવાની છે. તો અસ્તુ, 5 મિનિટનો સમય છે, મારે કંઈ વધારે બોલવું નથી, બોલવાવાળા બધા ઘણા છે, પણ એક વાત યાદ રાખો કે રામ છે તો જ અમે બધા કામના છીએ, અને રામ નથી તો પછી આ દુનિયામાં તમારું ને મારું કંઈ કામ નથી. એટલે પરમાત્માનું મંદિર અગર આ શાસનકાળમાં નિર્માણ ના થયું તો તમે લોકો બધા આશા છોડી દેજો. અને આ જ મને તો લાગે છે, હું તમારા બધા લોકોને જોઈને, આ સભાને જોઈને, કે રામલલાના મંદિરનું નિર્માણ 2018માં પ્રારંભ થઈ જવું જોઈએ. રામ ભગવાન કી જય. જય શ્રી રામ. જય જય શ્રી રામ. જય જય શ્રી રામ. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. ભારત માતા કી. સત્ય સનાતન ધર્મ કી. સત્ય સનાતન ધર્મ કી. અસ્તુ, સર્વના ચરણોમાં વંદન, સંતોના ચરણો વંદન, આપ સર્વના ચરણોમાં વંદન. હરિ. જેમ પહેલો કલંકિત ક્રૂર અસુર વૃત્તિ વાળાઓ જે ઢાંચો ઉભો કરી હતો, યાદ કરો એ પદ્ધતિને તમે આજે એ જ પદ્ધતિથી મંદિર બનાવવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ, અને ગુજરાતની ભૂમિથી હું આગળ ધજા લઈને તમારા સાથે ચાલીશ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય વીર બજરંગી. देश में लाखों मंदिर तोड़े, लेकिन लाखों मंदिरों में से 4 मंदिर ऐसे थे जहां पर हर आक्रमणकारी बार बार हमला करता था. वो था सोमनाथ का मंदिर, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में, काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ का, और मथुरा में भगवान कृष्ण का. क्यों? क्योंकि वो जानते थे आक्रमणकारी राम कृष्ण और शिव ये पूरे देश को जोड़ते हैं. ये केवल देवी देवता नहीं है, ये केवल भगवान नहीं है, ये इस राष्ट्र के राष्ट्रनायक है. इस देश की पहचान इनसे होती है, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं. वो स्वाभिमान को कुचलना चाहते थे. चाहे गजनी आया, चाहे गौरी आया, चाहे खिलजी आया, चाहे अहमद शाह अब्दाली आया, चाहे औरंगजेब था, हर आक्रमणकारी ने इन स्थानों पर आक्रमण किया है. लेकिन हिंदू ने सहा नहीं. हिंदू हर बार खड़ा हुआ है, हर आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया है. और मैं दुनिया को साफ कह देना चाहता हूं, जब तक इन चारों स्थानों के ऊपर, अब मैं केवल अयोध्या की बात नहीं कर रहा, सोमनाथ का बन चुका है, 3 बाकी है, जब तक इन तीनों पर भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा, हिंदू ना चैन से बैठेगा, ना किसी को बैठने देगा.
ये हिंदू का संकल्प है। कुछ लोग कहते हैं कानून बनाने में थोड़ी बाधा आ रही है, कानून नहीं बन सकता। आज भी एक व्यक्ति ने मेरे से कहा, उनके मन में कोई शंका हो किरीट भाई से मिलने, वो रास्ता बता देंगे। लेकिन नरेंद्र भाई, बहुत पुरानी मित्रता है हमारी आपकी, अगर कानून बनाने में बाधा हो तो मैं आज आपसे एक अपील करता हूं, क्योंकि संत अपील नहीं करते, संत आदेश देते हैं, हम अपील करते हैं। और मैं अपील करता हूं, आप कानून तोड़ने के एक्सपर्ट हो, 300 से ज्यादा कानून जो बेकार थे, जो देश के लिए नुकसानदायक थे, तुमने वो सारे कानून तोड़ दिए, बधाई के पात्र हो, अभिनंदन के पात्र हो, हम कूड़ा सर पर लेकर नहीं चल सकते। एक कानून और तोड़ दो, उस कानून ने देश की आस्थाओं को जंजीर में जकड़ा हुआ है, मेरी नई पीढ़ी को जकड़ा हुआ है, और वो कानून है धर्मस्थल अधिनियम 1947 की यथास्थिति बनाए रखने के लिए नरसिम्हा राव ने कानून बनाया था। राम मंदिर छोड़ दो, लेकिन बाकी जो 47 की स्थिति है वही बनाकर रखो। मत दावा करो जुम्मा मस्जिद पर, मत दावा करो रूपमती की मस्जिद पर, मत दावा करो दिल्ली के जामा मस्जिद पर, मत दावा करो काशी विश्वनाथ पर और मथुरा के ऊपर। हमको तुमने बांध कर रख दिया, मोदी जी ये कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर, इस कानून को तोड़ दो। अभी तो पहली बाकी है, अभी तो पहली झांकी है, हजारों बाबरी बाकी है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने धमकी दी थी, देश के टुकड़े हो जाएंगे। एक ने तो यहां तक कह दिया काबुल से दिल्ली तक लाशें बिछ जाएंगी। एक ने कह दिया कि मेरे को उन लोगों की याद आ रही है जिनके बच्चे छिन जाएंगे। सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी, डायरेक्ट एक्शन की धमकी दे रहे हैं, जो 46 में जिन्ना ने देकर भारत का विभाजन करवा दिया था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, ये 46 और 47 नहीं है, उस समय के कमजोर नेता भी आज सत्ता में नहीं है। तुमसे निपटने के लिए मोदी और योगी पर्याप्त है। और कुछ कमी रह गई, गुजरात के लोगों ने वो कमी कैसे दूर की जाती है वो पूरी दुनिया को दिखाया। बहुत हो गया, धमकियां मत दो, होने दो आर पार की लड़ाई, और देखना। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं, एक कपड़ा सुखाने में यदि 4 घंटे लगते हैं तो 9000 कपड़े सुखाने में कितना घंटा लगेगा? वही 4 घंटे, जितना टाइम राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए लगेगा उतना ही टाइम इन हजारों बाबरियों के लिए लगेगा। होने दो आर पार, अब बहुत हो चुका, अब हिंदू रुकेगा नहीं, अब हिंदू डरेगा नहीं, जो डर गया वो हिंदू नहीं है। कि जब आप भी कर्णावती करेंगे।
जनाब पंथी मस्जिद वो कैसे हो सकती है? पूरे देश की एक ही आवाज, राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। दिल्ली की सभा में, अयोध्या की सभा में लोग आए थे और यहाँ भी आपने देखा किस तरह का सैलाब उमड़ा है। देश की एक ही आवाज है, जल्दी कानून लाओ, मंदिर बनाओ, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हिंदू का धैर्य समाप्त हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और हिंदू अगर बेचैन होगा उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदिर याद आता है में एक साल इस आवाज को नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट से संकेत मिले थे, डे टू डे सुनवाई होगी, जल्दी फैसला होगा। संतों ने तय किया, हमने बीपी सिंह को समय दिया, नरसिम्हा राव को दिया, कोर्ट के लिए और प्रतीक्षा कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही दीपक मिश्रा गए, बिना मूल मुद्दे पर एक भी सुनवाई किए, पहले से तय था चुनाव हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। हम चुनावों से प्रेरित नहीं होते, लेकिन चुनावों से हार जाते हैं। एक साल नहीं है, केवल 3 महीने है। फर्क कितना है आप गए हुए 4.5 साल देख रहे हो, मैं बचे हुए 6 महीने देख रहा हूँ। जिसने करना है उसके लिए 6 महीने।